अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो जी? यार मैं आज आप कुछ बताने आया हूँ। कुछ बता दो यार, ऐसे गया हुआ था मैं चेज़अप पे। यार देखो ना, जिंदगी है ख़त्म हो जानी है, ठीक है? आप हमेशा इंसाफ का साथ दो, हक का साथ दो, कभी किसी के साथ दो नंबरी ना करो। यार कैचअप करोगे सही तो क्या मिलेगा आपको? ये चीज़ मेन है कि यार तुम एक दिन मर जाना है, खप जाना है। अपनी कौम के लिए कुछ करके जाओ, अपने लिए कुछ करके जाओ, मुसलमानों के लिए कुछ करके जाओ। ये है असल ज़िंदगी जिसे हम भूल चुके हैं। आप देख रहे हैं कि हम किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मुसलमान किस हालत से गुजर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम समझते नहीं हैं खुद को। हम ये बस क्या कहूँ यार, कभी दिल रोता है यार जब पाक मुसलमानों का हाल देखते हैं। मुसलमानों की यार, कश्मीर में देखो, फलस्तीन में देखो, ईरान में देखो, इराक में देखो, जिधर भी देखो जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है, मुसलमानों पर हो रहा है। और हम क्या कह रहे हैं कि हम धरे के धरे बैठे हैं, जॉब्स के लिए, पैसों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। और यार तुम ठीक है, पैसे जिंदगी के लिए स्टेबल करने के लिए है, लेकिन इतना तो नहीं है कि हम उस बस उसे स्टेबल करें। जो भी है पैसा है तो हम चल रहे हैं, कुछ ईमान होता है, कुछ मजबूती होती है। अमेरिका जो कहते हैं, जो यूनाइटेड स्टेट हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान वो कंट्री है जिसके बंदूक को पैसों के जरिए मोल लिया जा सकता है। अब इससे कोई डूबने वाली कोई चीज़ है कि मुसलमान हो कि मुसलमानों का नाम के यार कोई इमेजिन कर सकता है कि ऐसी कौम, ऐसी उम्मत जो सोनों के जो जो महल थे ताजे सरे दारा, उनको उन्होंने कबूल नहीं किया था। उन्होंने यह कहा कि इंसाफ इस्लाम मेन चीज है, तो हम किस खेत की मूली हैं? कम से कम हम उनका पैरोकार तो होना चाहिए ना। कोई दो नंबरी कर रहा है, सियासत के पीछे पड़े हुए हैं। सियासत ठीक है, करो अपनी कौम के लिए करो, लेकिन हमें सियासत को कारोबार बनाया अपना, ऐसा कारोबार जिसमें करप्शन हो, दो नंबरी हो, नाइंसाफी हो, पावर हो और उसको गलत इस्तेमाल हो उसका। ये चीज़ हमने आज मैटर करी, हम ये चीज़ चाहते हैं। हर कोई कहेगा, हर कोई, मैं भी कहता हूँ, हर जो शख्स जिससे भी मिलोगे वो कहेगा यार इंसाफ होना चाहिए, वो कहेगा यार करप्शन ख़त्म होनी चाहिए, लेकिन वही कर रहा होगा। ये तो सिचुएशन तो ये है। अल्लाह बस मुसलमानों को हिदायत बख्शे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफिज़। और ये हाँ, याद रखो मैं क्या कहने वाला था, आपको पता है मैं क्या कहने वाला था? मैं ये कहने वाला था कि मैं बस मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन मेरे चैनल को देखना सही। यार देखो यार, तुम मुझे ये शर्म आती है यार, यकीन जाने मुझे शर्म आती है कि जब मैं कहता हूँ ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लेकिन जब सब्सक्राइब करोगे ना, इसका मतलब यह है कि मेरी वीडियो वायरल होगी, मैं अपनी बात को पहुँचा सकूँगा। बस यार आपकी मर्ज़ी है, जैसे करो जी। अल्लाह हाफिज़।